मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी हमारे साथ हैं, सीधे चलते हैं और सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। क्या ऑर्डर किया? अब उस सबका पता कहाँ है आप लोगों को? अभी तो खाली मुख्तार अंसारी याद है, आपको कहाँ पता है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, हाहाकार मचा है, हिमाचल प्रदेश जल रहा है। मुख्तार पे बात हो रही तो मुख्तार पे खाली मुख्तार पे, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि 22 नक्सलियों ने मार दिया, 22 हमारे जवान शहीद हो गए, 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहा। कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कल हाई कोर्ट। देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया, देश में बड़ी समस्याएं हैं। मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी, वो भी जो पेट में है वो भी बाहर आ जाए, जो नहीं है तो गले में उंगली करके निकालेंगे, ये कौन सी बात है? कोर्ट का कल क्या ऑर्डर रहा है? कल के ऑर्डर हाई कोर्ट का जो आप बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या रहा है? कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने COVID-19 का जो ये सेकेंड वेव आई है, इसके मद्देनजर एक आदेश पारित किया है कि जो भी विचाराधीन बंदी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी और मुकदमे का ट्रायल होगा। बिल्कुल क्लियर कट यादर, उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर जनपद न्यायाधीश को भेज दिया। अब जो सूरत हाल निकल के आ रही है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्रवाई होगी तो रोज कार्रवाई चलेगी। अब तो मुख्तार अंसारी जेल में मौजूद होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वहां लगा दीजिए। मुख्तार को तो गवाही जिन मुकदमों में करनी है उसमें भी गवाही शुरू हो जाएगी, बगैर गए गवाही होगी। मुख्तार के खिलाफ जो गवाही होनी है उनको भी कोर्ट ने कहा है कि वो आए आकर के अपनी गवाही करें। तो इसमें कौन मुख्तार या कोई भी बंदी, अब जो एक विचाराधीन बंदियों को कोर्ट में फिजिकल पेशी के लिए एक वो था, उस पर जो COVID-19 के वजह से ये लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, उसको दृष्टि में रख करके माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश पारित किए हैं, आप देख लीजिए, मंगा लीजिए कॉपी उसकी। अच्छा, ये बताइएगा कि बांदा जेल में उसको शिफ्ट किया जा रहा है, क्या बांदा जेल में शिफ्ट करने से आप संतुष्ट हैं? अब इसमें हमारी संतुष्टि से मतलब क्या है? माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि बांदा जेल में शिफ्ट कर दीजिए, अब हमारी संतुष्टि से क्या मतलब? और ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश ने जो हलफनामे में उनके विरुद्ध 12 या 15 मुकदमों का ट्रायल विचाराधीन है दिखाया है कि इलाहाबाद MPML कोर्ट में, तो उन मुकदमों का विचारण किया जाए, और उस विचारण न्यायालय को ही इलाहाबाद को कह दिया है कि वो ये डिसाइड करें कि इस विचारण के दौरान मुख्तार को किस जेल में रखा जाए। तो ये पहले ये शासन सरकार तय कर देती थी, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में जब कहीं मुकदमा नहीं था तो गाजीपुर के मुकदमे थे तो बंद हुआ कानपुर, झांसी, आगरा, बांदा, लखनऊ, सीतापुर, घुमाते रहो हर बार, किस लिए भाई, कहाँ है वहाँ भेज दिया, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ भेज दिया। अब बड़ा अच्छा ये हुआ है कि न्यायालय तय करेगा कि उनको किस जेल में रखा जाए। अब अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो मीडिया से बात कर रहे थे, ABP न्यूज़ से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि इस समय कोविड का प्रकोप है और ऐसी सूरत में हाईकोर्ट का जो आदेश है वो जेल से ही आरोपियों की मुलजिमों की पेशी हो सकती है, ऐसी सूरत में अब उनको और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन देश में और भी सारे मुद्दे हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो, ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।